दोस्तों हमारा लंच हो चुका है और 10 के बाद मैं सो गई थी। मैंने आपको बताया था अब दोपहर की तैयारियां करेंगे। हेलो गुड मॉर्निंग यूट्यूब फ्रेंड, तो कैसे आप सभी लोग। अब सुबह के बाद जी 8, तो मुझे थोड़ी सी देर हो गई आज आपसे बात करने में। वैसे तो हर रोज ही हो जाती है, लेकिन अभी मैं बैठी हुई हूँ और चाय पी है अभी हमने। मेरे हस्बैंड ड्यूटी से आ चुके हैं और बाहर सब बैठे हुए हैं, बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम चाय ही पी रहे हैं। वैसे तो दोबारा चाय बनी है और वो पी रहे हैं, हम बैठे हुए हैं। भाई साहब अभी ड्यूटी जा रहे हैं, जा चुके हैं, मतलब बाहर है, जा रहे हैं। सो हाई यूट्यूब फैमिली, और अब सुबह के बज रहे हैं 10 और हम यहाँ तो क्या हो चुके हैं रेडी, और अभी हमने नाश्ता भी कर लिया है और हम अभी बैठे हुए हैं। बस थोड़ी देर में हम, आज वैसे धूप तो है नहीं है, अगर धूप होती है तो हम बाहर बैठ जाते हैं, लेकिन आज धूप है नहीं अभी बिल्कुल भी, तो रजाइयों में पढ़ने का सुनना है। और आज मेरे को थोड़ा जुकाम भी हुआ, तो मैंने टैबलेट लिया है और बाहर बिल्कुल भी धूप नहीं है, सिर्फ ठंड हो रही है, धुंध भी नहीं है, फोग भी नहीं है, और सिर्फ ठंड हो रही है आज बहुत ज़्यादा। तो आज नहा धो के रेडी हो चुके हैं और नाश्ता हमने कर लिया। आज हमने बनाए थे मेथी के पराठे और सब्जी, और अब हम खा पी के बैठे हुए हैं, अभी सोच रहे हैं चाय पीने की और चाय भी बनाएंगे। तो दोस्तों बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी हम फ्री बैठे हुए हैं, हमने खाना वाना खा लिया है और अब बैठे हुए हैं रजाइयों में, बाहर गए हैं, जो हमने खाना खाया अभी वो बर्तन साफ करेंगे। और हमारे कान्हा जी भी बैठे हुए हैं रेडी रूडी होके, तैयार त्यार होके, और अभी हम सिर्फ दोपहर, अब दोपहर की तैयारियां करेंगे क्योंकि 11:30 तो हो ही चुके हैं, तो दोपहर के खाने की तैयारियां करते हैं और आपको फिर मिलते हैं। आज दोपहर में सोच रहे हैं उनकी चाय बनाने की, तो आपको बाद में मिलते हैं, अभी हम अपना काम निपटा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं और फिर उसके बाद। सो गाइस अब बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं सो गई थी, तो अभी उठी हूँ सोकर और अभी मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। 10 आज स्कूल गया नहीं था, उसकी छुट्टी हो गई थी और आई स्कूल अभी आया नहीं, आई उससे इसके चाचू खाना खा के दुकान में जा चुके हैं और मैं आपको बाहर लेके चलती हूँ। दक्ष अभी वैसे रेडी हो रहा है, मतलब 1:30 तो मैं उठी हूँ, लेकिन अब 2 बज चुके हैं और दक्ष रेडी हो रहा है अपने ट्यूशन के लिए। 3:30 उसकी ट्यूशन है और अभी हमें चाय पियेंगे और खाना खाएंगे, दोपहर का लंच करेंगे। और लंच के बाद, लंच में आज हमने सोचा था नमकीन चाय बनाएंगे, लेकिन नमकीन चाय हमने नहीं बनाए हैं, आज हमने सिर्फ पराठे ही बना लिए हैं दोपहर में भी, लंच में भी, क्योंकि बस बच्चों का मन था पराठे ही खाने का, तो पराठे ही बना लिए। तो अब दोस्तों हमारा लंच हो चुका है और दक्ष ट्यूशन के लिए रेडी है और अभी हम लंच वगैरह हमने कर लिया है, तो अभी हम लड्डू बनाने की तैयारी कर रहे हैं। हमें लड्डू बनाने हैं जो हमने उस दिन आपको दिखाए थे, वो थोड़े से और बनाने हैं और अभी हम वो ही बनाएंगे और उसी की तैयारियां कर रहे हैं। तो क्या बस क्या, हमारे घर में 4 तरह के लड्डू हैं, थे, ख़त्म हो चुके हैं, इसे नहीं पता है कि हमारे 4 तरह के लड्डू कब के ख़त्म हो चुके हैं, फिनिश हो चुके हैं बिल्कुल ही, इसलिए दोबारा बनाने की तैयारी है। और वो ये आलसी के लड्डू जो मम्मी ने आपको बताए थे कि हड्डियाँ जोड़ने में काम करते हैं और जैसे चोट फोट लग जाती है टूटने में, या फिर मतलब कमजोरी हो, वीकनेस हो, सर्दियों में गर्मी लाने के लिए बहुत से काम आती है वो चीज़, और इसलिए हम वो बना रहे हैं और बच्चों के लिए भी अच्छी रहती है, बच्चों को खानी चाहिए, तो हमें वो लड्डू बच्चों के लिए भी बना रहे हैं। और अभी थोड़ी सी धूप अभी निकली है, सुबह से बिल्कुल ये नहीं था कि धूप निकली हो, और अभी हम बाहर आए हैं, सुबह से हम बाहर भी नहीं इतने खास आए, सिर्फ जो काम था वो किया और अंदर चले गए,
उसके बाद मैं सो गई थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन अभी हम कुछ काम करने वाले हैं और पापा जी अपने रूम में बैठे हुए हैं, मेरे हस्बैंड दुकान में हैं और दक्ष बाहर गया है, अभी वो आने वाला है, मतलब ट्यूशन जाने का टाइम हो गया और आयुष अभी तक स्कूल से नहीं आया, उसका टाइम थोड़ा लेट है ट्यूशन का, ये कहीं हो जाता है वो कहीं हो जाता है, और तो अभी वैसे तो कुछ ज़्यादा मोस्टली काम नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर तक हम काम, उसके बाद आपसे मिलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हम ज़्यादा कुछ नहीं करता रेसिपी में, उसमें सिर्फ पहले जो आलसी होती है उसे सुखा लो धूप में 2-4 दिन और फिर उसे मिक्सी में पहले थोड़ा सा भून लो कढ़ाई में, फिर उसके बाद उसे मिक्सी में पीस लो, ग्राइंडर कर लो, फिर घी डाल के और जो खांड डलती है उसमें वो डाल के आप लड्डू बना सकते हो और वो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, सर्दियों में आपके लिए बहुत अच्छे हैं, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। तो ये देखिए लड्डू बन चुके हैं, ये कुछ इस तरह के लड्डू बनते हैं जो कि मैंने आपको बताए थे कि लड्डू बनाते हैं आलसी वाले, तो ये ऐसे बनते हैं, तैयार होने के बाद ये ऐसे कुछ दिखते हैं, तो मैंने आपको रेसिपी बता ही दी थी, तो आप प्लीज़ इन्हें ट्राई कीजिए, यह आज ही बनाए हैं, देखिए रेडी होने के बाद ये बहुत अच्छी लुक देते हैं, देखना। रेडी हो चुके हैं लड्डू हमारे और हमने शाम की पूजा कर ली है अपनी, मैंने आपको अपना मंदिर तो दिखा ही दिया था और आज हमने शाम की पूजा कर ली है, मैंने आपको लड्डू दिखा दिए हैं कैसे बने हैं, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। सो दोस्तों अब हमारा डिनर हो चुका है और आज हमने डिनर में दाल चावल रोटी बनाई थी और हमारा डिनर हो चुका है और अब रात के बज रहे हैं 9, सोने का टाइम है, लेकिन आज थोड़ा लेट हो गए थे खाना बनाने में और खाना सबने खा लिया है, सारे काम हो गए हैं, बस सोने की तैयारी है, सब अपने अपने कमरों में पड़ चुके हैं, लेट चुके हैं और हम भी लेट चुके हैं, सो ही रहे हैं और अभी और कुछ काम तो है नहीं है, खाना जी भी सो चुके हैं, हम भी सो रहे हैं, सो प्लीज़ हमारी वीडियोस को देखा कीजिए और लाइक किया कीजिए, जो हमारे चैनल पे नए आते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।